गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। आपके किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नॉनवेज की रेसिपी, मटन मसाला करी की रेसिपी मैं लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए, मैं खड़ा मसाला ले ली हूँ, जीरा, लौंग, इलायची, जो भी दालचीनी वगैरह है सब कुछ ले ली हूँ। और देखिए, मैं तेल गरम करके रखी हूँ। जब तेल गरम हो जाएगा ना, तब भी मैं सारे खड़े मसाले को डाल रही हूँ। और उसके बाद चार बड़े बड़े प्याज ली हूँ। ये 1 किलो मटन की है रेसिपी है। तो उसमें मैं देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट बना रही हूँ, अलग बना रही हूँ, और जीरा का पेस्ट अलग बना रही हूँ। तो देखिए, जब प्याज थोड़ा सा भुन गया तो उसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है। ये कलर के लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो जब मतलब थोड़ा सा भुन जाए तेल के साथ, तो उसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब जब लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा मतलब खुशबू उसका जाने लगे और भुनने लगे, तेल चारों तरफ से निकलने लगे, तभी मैं जीरा जो ग्राइंडिंग करके रखा था, नॉर्मल जीरा था, उसको भी मैं डाल दी हूँ इधर। तो देखिए, अच्छे से मैंने भून लिया और मसाला को भूना। जब मसाला थोड़ा सा अच्छे से भून गया, चारों तरफ से तेल निकलने लगा, तो उसमें मैंने बहुत सारे ड्राई मसाले डाले, जैसे कि गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और मीट मसाला मैंने डाल दिया। और उसके बाद मैंने उसके ऊपर कस्तूरी मेथी डाल दी। इसको आप थोड़ा सा भून के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं हड़बड़ी मेथी इसीलिए बिना भून ही डाल दिया। और उसके बाद मैंने मटन को अच्छे से धो के रखा था, उसको मैंने मसाले के ऊपर डाल दिया और उसको भूनना शुरू किया। तो देखिए, मटन अच्छे से भून जाने के बाद उसमें मैं पानी गर्म करके रखी थी, गर्म पानी डाल दिया उसमें। और पकने के लिए उसको ढक के छोड़ दिया। तो देखिए, ज़्यादा हो गया था और मैंने नमक नहीं डाला था, मैं भूल गई थी, तो बाद में डाला। आप जब मटन डालें तब भी आप नमक डाल दें। और देखिए, आप सोच रहे होंगे कि कुकर कैसा आ गया। मैं सीटी नहीं लगाई हूँ, मैं बस ऐसे भून के ही बनाई हूँ। कुकर में इसलिए डाला कि कढ़ाई में बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर दी हूँ। अगर अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो और मैं नए नए बना रही हूँ, तो थोड़ा बहुत गलती हो रही है, थोड़ा सा हिंदी वीक है। अगर हो मतलब अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।